अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, नाज़रीन ग्रामी, मैं हूँ कामी मलिक और आपको ट्रेंडिंग पॉइंट्स की एक और वीडियो में खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, भारत की जानिब से पाकिस्तान के कराची, लाहौर, सियालकोट और इसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान, इन इलाकों को निशाना बनाने का शदीद ख़तरा पैदा हो चुका है, क्योंकि आज अमेरिका की जानिब से अपने शहरियों को वार्निंग जारी की गई है कि फौरी तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, पाकिस्तान के इलाके भारतीय कश्मीर और इसके अलावा बलूचिस्तान को फौरी तौर पर छोड़ दो। असल मामलात क्या हैं, आज की इस वीडियो में आपको तमाम तर तफसीलात से आगाह करेंगे। क्या जंग का शदीद ख़तरा पैदा हो चुका है, क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहा, और दूसरी अहम खबर जो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वो ये कि भारत के साथ अमेरिका ने बहुत बड़ा हाथ कर दिया। असल मामलात के तमाम तर चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की मज़ीद तफसील में जाने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इस हमारी वीडियो को लाइक कमेंट करके सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में पाकिस्तान आर्मी, वल्की टॉप एजेंसी ISI और गुमनाम हीरोज के नाम का सलाम कमेंट ज़रूर करें। प्यारे दोस्तों, एक ऐसी सूरत हाल देखने को मिली है कि अमेरिका ने अपने शहरियों को वार्निंग जारी कर दी है। क्या कुछ ऐसा बड़ा होने जा रहा कि अमेरिका ने फौरी तौर पर अपने तमाम शहरियों को पाकिस्तान के इलाकों से, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और भारतीय जो कश्मीर के इलाके हैं वहाँ से, और इसके अलावा पाकिस्तान के लाहौर, कराची, सियालकोट से निकल जाने का फौरी तौर पर ऐलान किया है। और इसके अलावा अमेरिका ने अपने बकिया तमाम शहरियों को पाकिस्तान, भारत और भारतीय कश्मीर के इलाकों में सफ़र करने से फौरी तौर पर मना कर दिया। आखिर कौन सी ऐसी सूरत-ए-हाल है जिसकी वजह से अमेरिका को ये कदम उठाना पड़ा? क्या भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहा? क्या जो भारत की जानिब से ब्राह्मोस मिज़ाइल तैनात किए जा रहे हैं, चीन जो ही हमला करेगा तो क्या भारत चीन का बदला पाकिस्तान से लेगा, या अंदरूनी मामला से तंग आकर भारत पाकिस्तान के ऊपर हमला करने जा रहा? कोई भी ऐसी ख़तरनाक सूरत हाल होने जा रही है। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने फौरी तौर पर यह ऐलान किया है, और अमेरिका की जानिब से ऐसा ऐलान उसी वक्त सामने आता है जब अमेरिका के पास किसी किस्म की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स मौजूद होती हैं। अब देखें हुआ क्या और इस वक्त भारत के अंदर सूरत-ए-हाल क्या है। देखें, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख ये मुकम्मल तौर पर चीन के हमलों के जद में हैं। लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश मैदान जंग बन चुके हैं। लद्दाख तकरीबन 85% इलाका जो है चीन कब्जे में ले चुका है। अरुणाचल प्रदेश को डिफेंड करने के लिए भारत ने अपनी तमाम ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया है, और इसी तमाम सूरत-ए-हाल में अरुणाचल प्रदेश की 17,000 ऊंची जो बुलंद छोटी है उसको फतह करने के लिए चीन की फौजें मुसलसल पेशकदमी कर रही हैं। प्यारे दोस्तों, अब ऐसी सूरत-ए-हाल में रूस की जानिब से भारत को S-400 देने का ऐलान भी सामने आया है। और याद रहे कि इस वक्त अरुणाचल प्रदेश और भारत के अहम किस्म के इलाकों में ब्राह्मोस मिसाइल भी तैनात करने का भारतीय ऐलान सामने आया है, और S-400 जो ही रूस ने देने का ऐलान किया है तो फौरी तौर पर भारत ने पाकिस्तान और चीन दोनों को धमकी दे डाली है। और भारत ने यह कहा है कि पाकिस्तान का कराची, लाहौर, सियालकोट, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, लद्दाख, अरुणाचल प्रदेश, कश्मीर ये हम निशाने पर रखेंगे। प्यारे दोस्तों, आज अमेरिका की जानिब से जो वार्निंग अपने शहरियों को दी गई है इसके पीछे बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है। असल में अमेरिका ने किया है भारत के साथ गेम। हम आपको ये भी बताते चलें कि पिछले दिनों मोदी की जानिब से और मोदी की हुकूमत की जानिब से चीन को जंग की धमकी दी गई, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म था, हमने आपको आगाह किया था कि इसके पीछे बाइडन है। बाइडन चाहता है कि भारत चीन के साथ एंगेज हो और चीन मुकम्मल तौर पर अपनी ताकत का इस्तेमाल जो है वो भारत के खिलाफ करे, ताकि अमरीका को पता चल जाए कि चीन के पास कौन कौन सी टेक्नोलॉजी मौजूद है। और दूसरा मकसद बाइडन का ये था कि बाइडन मोदी को मदद के बहाने अपने मामला तय करे और उसके बाद साइडलाइन पर हो जाए। अब मोदी और मोदी की भोंडी हुकूमत ने बाइडन के कहने पर धमकी तो दे डाली है,
अब अमेरिका ने हाथ क्या किया, अब इन्होंने धमकी दे डाली, चीन ने अम्निशन लाकर इनके सामने खड़ा कर दिया, चीन इनके खिलाफ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने जा रहा, अब बदले में ये फौजी अड्डे भी ले लेंगे। अब जब चीन इनके इलाकों में घुस घुस कर कार्रवाइयाँ करेगा, ना तो ये इलाके छुड़ा पाएंगे, ना ये अपने फौजियों को बचा पाएंगे, तब ना तो अमेरिका मदद करेगा, बल्कि अमेरिका फौजी अड्डे लेने के बाद चुपचाप चीन से साइड पर होते हुआ निकल जाएगा। और बाइडन और अमेरिका का यही प्लान था। अब भारत के साथ हाथ ऐसा हुआ है कि अमेरिका के कहने पर इन्होंने चीन को धमकी तो दे दी है, अब धमकी के बाद इनको बचाने वाला कोई नहीं है। धमकी में ये कहा गया है और चीन को वार्निंग दी गई है कि हमारे इलाके खाली करना करो, वरना लड़ाई के जरिए हम अपने इलाके खाली करवाएंगे। अब जब चीन ने पेशकदमी करना शुरू कर दिया, चीन आगे बढ़ता जा रहा है और उसके बाद इनके लिए सूरत हाल ख़राब होती जा रही है। प्यारे दोस्तों, अब भारत फंस गया है। भारत के साथ अमेरिका ने हाथ किया, अब लड़ाई के मामलों में भारत अकेला रहेगा। फौजी अड्डे भी देगा, S-400 लेगा, लेकिन S-400 के बदले इन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान भी उठाना पड़ेगा। प्यारे दोस्तों, S-400 और HQ-9 मिसाइल सिस्टम, इनका कंपैरिजन करें तो सिर्फ रेंज का फ़र्क है, और HQ-9 मिसाइल सिस्टम चीन ऑलरेडी पाकिस्तान के हवाले कर चुका है, यानी कि HQ-9 मिसाइल सिस्टम भी S-400 की तरह काम करता है, सिर्फ रेंज की डिफरेंस है। लेकिन HQ-9 मिसाइल सिस्टम पाकिस्तान ने तैनात कर दिया है, जो यकीनी तौर पर भारत के कोने कोने को निशाना बनाने की मुकम्मल तौर पर सलाहियत रखता है। यानी कि पाकिस्तान और भारत का अगर मामला हो तो HQ-9 मिसाइल सिस्टम मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान को मदद फराहम करने जा रहा है। अब भारत S-400 के इस्तेमाल कैसे करेगा, ब्रह्मोस मिसाइल को कब कहां कहां पर तैनात करके किस किस मुल्क को निशाना बनाएगा, और अब भारत इसराइल के एयरफोर्स जो कश्मीर और लद्दाख में ला रहा है, उसके पीछे असल मामला क्या हैं। प्यारे दोस्तों, अमरीका के फौजी अड्डे कश्मीर के अंदर बनाकर और भारत के अंदर बनवा कर भारत खुद को तो मजबूत करने जा रहा है, लेकिन चीन से वो कैसे जान छुड़वाएंगे। प्यारे दोस्तों, मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि अमेरिका ने अपने शहरियों को जो वार्निंग जारी की है कि पाकिस्तान के तमाम इलाके छोड़ दो, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान, कराची, लाहौर, इन इलाकों से निकल जाओ और बाकी इलाकों पर जाने से मुकम्मल तौर पर उन्हें खबरदार कर दिया गया। असल मामलात क्या हैं, क्या भारत पाकिस्तान पर हमला करने जा रहा, क्या अमरीकी इस वार्निंग पीछे असल राज क्या हैं, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, मुझे दीजिए इजाज़त, बहुत जल्द आपकी खिदमत में एक नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। हालांकि पाकिस्तान जिंदाबाद।